देर रात मुकेरियां दी फ्रेंड कलोनी विखे जवाई ने सहुरे घर गली विच हंगामा करन उपरांत सस उत्ते इनोवा गड्डी चढ़ा दिती, जिस नूं गंभीर जख्मी हालातां विच होशियारपुर दे हस्पताल विच मृतक एलानिया गया। इस सारे मामले संबंधी जानकारी देंदिया मृतका दी बेटी ज्योति शर्मा ने दस्या कि उसका विआह 12 साल पहला रोहित वासी हाजीपुर नाल होया अते दोनों पति पत्नी टीचर हन अते उन्हां दी इक 8 साल दी बेटी है। ज्योति शर्मा 1 साल तो अपने पेके घर विच रह रही सी अते उसका पति उसनू लगातार धमकियां देंदा रहिंदा सी। इस दे नाल ही मृतका दे पति विजय कुमार ने दस्या कि देर रात उन्हां दा जवाई अपनी गड्डी ते आया अते गली विच हंगामा कीता अते मारन दियां धमकियां देंदा रहा। असी उसनू वापस जाण लई कहिंदे रहे, काफी समय बाद जदों असी गेट दे बाहर आए तां उसने गड्डी मेरी वाइफ दे उपर चढ़ा दित्ती। मृतक दे परिवार वालों आरोपियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करदिया इंसाफ की गुहार लगाई गई है। दूजे पासे अपनी टीम नाल मौके ते SHO बलविंदर सिंह ने दस्या कि मृतकों के परिवारक मैंबरां बयान दर्ज किए जा रहे हैं अते बयानों के आधार से मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई अमल में लियांदी जा रही है। मुकेरियां तो मनजीत सिंह की खास रिपोर्ट नाल। शादी 12 साल पहला रोहित विशिष्ट नाल हुई सी हाजीपुर विच, असी दोनों टीचर सीगे, बड़े रह रहे थे अपने सहुरे परिवार के। मेरी गुड़िया जो होने वाली सी मैं थोड़ा टाइम डिलीवरी का सगा, मेरी सस ने घरों कटता से, मेरी सस जेठ जठानी ने मैं घरों कटता सगा। उसके बाद मैं अपना नवा घर हाजीपुर च ही बनाया आदर्श कलोनी के, असी दोनों बड़े वधिया रह रहे थे। 8 साल मैं उस घर, 7 साल हो गए रहिंदी नूं, 8वां साल लग्या सीगा। मेरे जेठ ने जठानी ने तो सस ने ऐसा मेरे घर च किया, जेठ ने नशिया च लाया। और बाद कहता मेरा मुंडा गोद ले ला, मैं क्या नहीं लेना, मेरे घर मेरे घर वाले अपने को लै गए। उन्होंने ऐसा भड़का राती मेरे कुटमार करता सी। फिर मैं 3 परचे हाजीपुर भी बड़ी बारी 3 बारी 2-3 बारी दिते, उत्थे भी हो नहीं मनता सीगा। मैं आ गई पेके अपने, मैं 1 साल तो पेके रह रही है, मेरा बिल्कुल ये लुक नहीं है, फोन करता ही गाला करता ही मैं छड़ता सीगा इन्हू। हूँ मैं कहा तू कोई गल नहीं तू कर ला जो, मेरी मम्मी कहती सी नहीं करना कुछ, पुत ग्रह दिशा हैगी है, मेरी गुड़ी 8 साल की। इन्हें उस कुड़ी ने 1 रुपया नहीं दिता, मैं मंगया भी नहीं। मैं कोई गल नहीं तू भतीजे पाल ला, मैं कुड़ी पाल लाँगी अपनी। 12 बजे आया साढ़े घंटी घुंटी बजाई, कहता अज मैं 5 बंदे मार के जाने, मेरा अज मैं 5 खून माफ है मैनू। ये इन्नी जोर की गड्डी लैके आया अपनी, इतने अं नहीं गेट खोलिया अपना, बिल्कुल कह जो करता करी जा, अं नहीं कोई भी साढ़े छोटे मेरे छोटे भरा उकसाता पिया कि बहर आ, वह कहता मैं जाना ही नहीं, उन्होंने बहर आ दिता। उधरों मेरा छोटा भरा अपना हैगा आशु, वह बेचारा आ गया उधरों, तो वो कितने मम्मी कहती आशु आ गया बारे ने मार देना। मम्मी ने गेट खोलिया, मम्मी बहर चल गई, बहर चल गई मम्मी। और बाद जिदे ही आशु खड़ा ही गड्डी अगे, वो आशु पर गड्डी चलान लगा, मम्मी ने आशु ने धक्का मारिया और मम्मी ने दड़ेड़ता अगे तक लै गया, और वो गड्डी साड़ी गली च पुट्ठी पई है हजे तक। और गड्डी चो डिगन तो बाद अं मम्मी नू मुंडे उठ के फिर ला गए हॉस्पिटल, और फिर गड्डी चो निकलिया और कहता कि मैं ठीक हाँ, देखा मैं करता रहा, मैं होर खून करने हजे इतने। मैं चाहनी हाँ इस बंदे के खिलाफ, यदि माँ बीना के खिलाफ, ये भरा राहुल वशिष्ठ जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट विच हैगा या इतनी भरजाई रंजना वशिष्ठ, यदा भतीजा रमांश वशिष्ठ, जिन्होंने बिना खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे, मैं यही चाहनी हाँ। ये सिर्फ मैं अपनी पहुँच दसते, हर बारी मैं कहते साड़ी पहुँच आ, साड़ी पहुँच आ गई है, ये तो हम मैनू न्याय दवाए कोई, मेरी माँ को न्याय दवाए कोई, मेरी बेटी को न्याय दवाए कोई। मैं मेरी बेटी की शादी रोहित वशिष्ठ के साथ आज से 12 साल पहले हुई थी, और काफ़ी दिनों से इनका आप जो चल रहा था, पिछले 1 साल से मेरे पास ही रह रहे थे। तो रात को कई बार इन्होंने मुझे धमकियाँ देनी कि मेरी बेटी को आपने ये कर रखा वो कर रखा है, और मैं आपको मार दूंगा, ये है वो है, मैं थाने जाऊंगा, फलाना करूंगा। तो उसके बाद रात फिर आ गया, तो रात तकरीबन 12 बजे आया, तो मैं सोता पिया ही, तो मेरी मिसी उठी, तो मैं वेखिया दरवाजा खड़कदाया, तो मैं अंदर सीगा, मेरी मिसी फिर अंदर गई कि तुम बाहर ना निकलो, वो आया है, तो मैं तुम ही बाहर ना जाई, तो वो जो खड़का दरवाजा खड़कान लग पाया, फिर दरवाजे को फड़ के मारन लग पाया। मैं इन्हू कहा चुप कर, सारी कलोनी इकट्ठी हो जानी है, चंगा नहीं लगता, सवेरे आ जाई, तो जो तू करना वो कर दे, तो तू थाने, कहता नहीं तुम अज मैं मार के जाना है, अज मैं 5 खून माफ है, 5 खून करके जाना मैं।
तो बाद च फिर इन्हें गड्डी बैक करती, असी फिर बाहर निकले, मैं चल चले गए है चला गया। तो इन्ने च ना फिर इन्ने साढ़े गुआढ़ी माँ तो बेटा बहर आ गए, तो असी एक वो तो उत्थे खड़े सी, तो असी मैं इतने खड़ा सीगा, तो मैं इतने खड़ा सीगा, जिदा आया तो इन्हें गड्डी बैक की, इन्ने च मेरा भतीजा भी आ गया पिछे, उन्हें मोटरसाइकिल पिछे खड़ा किया, तो इन्हें गड्डी बैक की, पहले चल बैक कर ली है चले जाना इन्हें, तो असी थोड़ा होर अगे आ गए कि जा रहे जाने दो बीमारी में, तो बाद च इन्हें पहले मोटरसाइकिल तो मारी चोर से, मोटरसाइकिल अंदर टुटा पिया, तो बाद च ना फिर इन्हें फिर अगे की, फिर मैं देखा गड्डी आती अगे, मैं फट गया पिछले ज घर वाली को नहीं हटिया गया, घर वाली ने एक बार मारिया इन्हें, फिर गैट बैठ दूजी बार फिर मारिया, तो वह जाके नाली च फिर डिग पई, तो बाद च फिर इतों गड्डी घुमाई है इन्हें तेज इतें बजी पहले, तो बाद च वो जाके इतने पलट गई, तो उतों फिर दौड़ गया है, फिर मेरा बेटा निकलिया, बेटे ने गड्डी गड्डी की बंदोबस्त फटोफट, तो होस्पिटल लै गए। असी तो केस पूरा चाहते हाँ कि इन्हें सानू मारन आया सीगा, मतलब पहले सानू पहले कहता कि तुहानू अज मार के जाना, मैं अज चल पिछे हट गया कोई गल नहीं हुण की करना आ, तो चले जाएगा, तो सानू की पता ये मार के जाऊगा सानू, मैं भी मर जाता जब मैं अगर थोड़ा होर हो जाता मैनू भी मार के जाता है, बरखिलाफ कार्रवाई पूरी की जाए ताकि अगे जिहड़े भी हैगे उन्हां पता लगे कि इदां दे काम नहीं करदे असीं। ठीक है, रात अपना विजय कुमार जी का जवाई रोहित वशिष्ट वासी हाजीपुर, रात यह आया सी इत्थे, इन्हां धमकाउंदा सी भी अज मैं तुहानू किसी ना किसी के उपर कार्रवाई करनी हमला करना, फिर रात इन्हां ने फिर अपनी गड्डी इनोवा दे विच इन्हां दी पत्नी सुषमा शर्मा दे उपर दो तीन वार चढ़ाई, तो जिहदी उत्थे सट्टां वज्जण करके मार देने की दिन जो चढ़ाई सी मौत हो गई है, वो उपर जो बनती कार्रवाई की जाएगी। कारण इन्होंने विजय कुमार जी की लड़की ये ज्योति शर्मा जो रोहित वशिष्ट जी शादीशुदा पिछले 12 साल से इन्हों की आपसी अणबन रही सी, लड़की पिछले से एक साल तो इन्होंने कोल रही सी, इस करके आपसी अणबन करके कारण जोड़ा यह घटना वापर नहीं सकता। सर पुलिस वालों की कार्रवाई की जा रही है? पुलिस वालों कार्रवाई जो बनती कार्रवाई इन्होंने विजय कुमार जी के बयान लैके जो कतल की धारा दर्ज परचा दर्ज किया। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के